गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस से पहले हमें पता है कि जब भी हम लैब में ताकते हैं तो हमारे पास केमिकल एनालिसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, लैब में एनालिसिस दो टाइप की होती है, एनालिसिस केमिकल एनालिसिस दो टाइप की, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव। ठीक है, अनदर वन इज द क्वालिटेटिव। ठीक है, तो जो सॉल्ट एनालिसिस है वो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या आता है? सॉल्ट एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ सॉल्ट या आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफायर ऑफ एसिड एंड एसिड रेडिकल एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है, जिसमें हमें किसी भी सॉल्ट की क्वालिटी मेजर करते हैं। तो वी कैन मेजर द क्वालिटीज। ठीक है, क्या मेजर कर सकते हैं? क्वालिटीज, आइडेंटिफाई द सॉल्ट। ठीक है, हमें क्या इसमें कौन से कैटायंस है या कौन से एनायंस है, उसका कलर भी मेजर कर सकते हैं, उसकी स्टेट दे सकते हैं, उसका सॉल्वेंटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, टू मेजर द टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास दो टाइप की अगेन एनालिसिस होती है, एक वॉल्यूमेट्रिक एंड अदर वन इज द ग्रेविमेट्रिक। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ml में मेजर करते हैं, जैसे टाइटेशन करते हैं तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को वॉल्यूम में मेजर करते हैं, इसलिए इसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। ग्रेविमेट्रिक में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम वेट में मेजर करते हैं, इसलिए हम उसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर जस्ट सिंपल पूछते हैं व्हाट इज द टर्म एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस लैब में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं सॉल्ट को बाय द फिजिकल मेजरमेंट्स और मेजरमेंट्स हम करते हैं। तो क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्वालिटी मेजर्स करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी मेजर्स में सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, क्वान्टिटेटिव में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ सॉल्ट एनालिसिस हमारे 11th एंड 12th क्लास में मेटल रेडिकल्स को निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं उसको, सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस हमारे किस में आता है, आइडेंटिफाइंग द एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। अब जैसे सबसे सिंपलेस्ट सॉल्ट अगर हम बात करेंगे, सपोज हमने NaCl की बात की। ठीक है, तो NaCl में हमारे पास देखो, एक हमारे पास Na कैसे बने, Na पॉजिटिव आयन, Cl माइनस आयन। तो सोडियम क्लोराइड में एक ये क्या हो गया, कैटायन। ठीक है, और ये क्या हो गया, एन। ठीक है, तो हमारे पास दो रेडिकल्स हो गए, दो रेडिकल्स मीन्स वन इज द कैटायन पार्ट, अनदर पार्ट इज द एनायन पार्ट। तो जो कैटायन पार्ट होता है, कैटायंस मेटल्स का होता है, मेटल्स मोस्टली मेटल्स का होता है, अमोनियम आयन मेटल नहीं होते, लेकिन अमोनियम भी कैटायनिक पार्ट में। तो कैटायनिक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, कैटायनिक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैटायनिक पार्ट को बेसिक रेडिकल्स। फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस टू, Na प्लस अमोनियम आयन भी हमारा बेसिक रेडिकल है। ठीक है, जो एनायनिक पार्ट है, यहाँ पे तो Cl- माइनस लिखा, तो एनायन समझाने के लिए आपको मैंने इसलिए लिखा, तो एनायनिक पार्ट होगा, तो एनायनिक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, मेनली नॉनमेटल्स के होते हैं। ठीक है, जैसे क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, ऑक्सलेट है, एस्टर। ठीक है, बहुत से एसिडिक रेडिकल है, सबको हम वन बाय वन को हम पढ़ेंगे। तो सॉल्ट एनालिसिस टर्म जो यूज करते हैं हम केमिस्ट्री में, सॉल्ट कोई भी जो सॉल्ट बना है उसमें हमें क्या डिटेक्ट करना है, टू आइडेंटिफाई द कैटायंस एंड टू आइडेंटिफाई द एनायंस। जो हमें सैंपल दिया होगा उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कैटायन क्या प्रेजेंट है या एनायन क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैटायन को हम कैसे, कैटायन को हम कौन से रेडिकल्स पूछेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है, कैटायंस वाले रेडिकल्स को हम क्या बोलते हैं, तो बेसिक रेडिकल्स और कॉल्ड एज कैटायनिक पार्ट, और एसिडिक रेडिकल्स को हम एनायनिक पार्ट बोल देंगे। ठीक है, तो कैटायंस में मेनली कॉपर, सोडियम, अमोनियम, लेड भी आता है, आयरन के भी आयंस हैं यहाँ पर।
और एनियनिक पार्ट में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। नाउ अब ये जो सॉल्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं इसको हम किस तरह मेजर करेंगे, तो क्वालिटी में सबसे फर्स्ट जो होता है वो फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा फिजिकल, सबसे पहले हम देख के बता सकते हैं ये सॉल्ट कौन सा है। ठीक है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होंगी जो सॉल्ट की हमें पता चल जाएंगी। सबसे पहले हमें सॉल्ट का कलर देख के पता चल जाएगा कलर कौन सा, सॉल्ट का स्टेट देख के पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्ट, सॉल्ट की सॉल्वेंटी वाटर में सॉल्युबल है नॉन सॉल्युबल है उससे पता चलेगा ये कौन सा सॉल्ट है। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर टेस्ट जो हमें पता चल जाता है, हमें देख के पता चलेगा ये सॉल्ट है अमोनियम का सॉल्ट है, ये कॉपर का सॉल्ट है, ये आयरन का सॉल्ट है। ठीक है, तो कभी कभी हमें टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम फिजिकल अपीयरेंस से भी पता चल जाता है कि हमारे पास ये सॉल्ट पेटेंट है, उसको मैं एक आइडेंटिफाई एक आइडिया लग जाता है कि ये सॉल्ट इसका है। फिर हम उसके बाद उसके टेस्ट करते हैं, प्रिमरी टेस्ट करते हैं, सेकेंडरी टेस्ट करते हैं, सेकेंडरी टेस्ट को हम कन्फर्मेटिंग टेस्ट बोलते हैं, प्रिमरी टेस्ट को हम ड्राई टेस्ट बोलते हैं क्योंकि वो प्रिमरी टेस्ट होते हैं। ठीक है, मैं बताऊँगी वन बाई वन एक एक करके बताऊँगी। अभी आप ध्यान रखें कलर को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे वो हम सीखते हैं। बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट कलर है, कलर के अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सा सॉल्ट होगा। ठीक है, अगर ब्लू कलर है, ब्लू या ब्लूश ग्रीन, ठीक है मेनली ब्लूश ग्रीन जो होता है वो थोड़ा सा ब्लू ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर है तो कॉपर का जो सॉल्ट है वो हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट है। हाइड्रेटेड का मतलब कॉपर इंटू H2O उसके साथ में मिक्स है, एनहाइड्रेट अगर लिखते हैं तो भी उसके साथ में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं है। ठीक है, हाइड्रेटेड लिखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ में ऐड ऑन होते हैं और एनहाइड्रेट लिखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, तो कॉपर सेकेंड यानी उसकी कॉपर के +2 भी वैलेंसी होती है +3 भी होती है, तो +2 वैलेंसी में हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट ब्लू कलर का देता है और एनहाइड्रस कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है CO, तो एनहाइड्रस कोबाल्ट का अगर सॉल्ट है वो भी कौन सा कलर देगा ब्लूश ग्रीन और ब्लू कलर। ठीक है, तो हमारे पास दो कलर होते हैं हाइड्रेटेड कॉपर के सॉल्ट एंड एनहाइड्रस कोबाल्ट सॉल्ट। ठीक है, ब्लूश कलर देते हैं, ग्रीन कलर जो देता है, अब देखो यहाँ पे हाइड्रेटेड कॉपर सेकंड है, ये भी कॉपर सेकंड है बट ये हाइड्रेटेड नहीं है। ठीक है, ये कैसे है एनहाइड्रस हो गया। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट है तो कॉपर कार्बोनेट कार्बोनेटेड सॉल्ट है वो ग्रीन कलर देगा। क्रोमियम का थर्ड, ठीक है क्रोमियम के अलग 3 और 6 बैलेंस होते हैं तो क्रोमियम का 3 वाला भी ग्रीन कलर देगा। आयरन सेकेंड ग्रीन कलर देगा, निकेल सेकेंड भी ग्रीन कलर देगा। ठीक है, तो हमें ये सॉल्ट पर्टिकुलर सॉल्ट के कलर याद करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्ट के कलर इवन IIT JEE में भी आते हैं, IIT NEET और सभी में कॉम्पिटिशन में ही यही आते हैं। ठीक है, तो हमें ये 12th 11th के साथ साथ हमें कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए भी किस सॉल्ट का क्या कलर है ये हमें आइडेंटिफाई में याद होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लू कलर हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट एंड एनहाइड्रस कोबाल्ट सॉल्ट, ग्रीन कलर कॉपर के कार्बोनेट क्रोमियम का थर्ड सॉल्ट थर्ड स्टेज का आयरन का सेकेंड एंड निकिल का सेकंड। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है +2 +3 इस तरह करके। येलो सॉल्ट अगर होगा तो येलो सॉल्ट है कैडमियम सल्फाइड लेड आयोडाइड आयरन क्लोराइड एंड आयरन का नाइट्रेट। तो आयरन यहाँ पे Fe+3 फॉर्म में है दोनों में, क्लोराइड एंड नाइट्रेट के फॉर्म में, लेड +2 के फॉर्म में, कैडमियम भी +2 के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह में येलो कलर आएगा। इन कलर पिंक कलर मोस्टली पिंक कलर में एग्जाम्पल में मैंगनीज दिया ही होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि पिंक कलर एक ही सॉल्ट का है। ठीक है, तो पिंक कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंगनीज सेकंड की हाइड्रेटेड मैंगनीज सेकंड, मैंगनीज सेकंड कैसा है हाइड्रेटेड है यानी H2O इसमें ऐड है एंड हाइड्रेटेड कोबाल्ट। ठीक है, हाइड्रेटेड मैंगनीज एंड हाइड्रेटेड कोबाल्ट, कोबाल्ट भी यहाँ पे हाइड्रेटेड अगर होगा तो पिंक कलर देगा और एनहाइड्रस कोबाल्ट होगा तो ब्लूश ग्रीन या ब्लू कलर देगा। ठीक है, ये चीज़ हमें डिस्टिंग्विश करने में ध्यान रखें। नेक्स्ट रेड कलर देता है मर्करी आयोडाइड एंड मर्करी सल्फाइड, यहाँ पे मर्करी +2 में और यहाँ पे भी मर्करी +2 में। ब्लैक कलर देगा सिल्वर सल्फाइड लेड सल्फाइड बिस्मथ सल्फाइड कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फाइड। इसके कलर के अकॉर्डिंग हम उसको पहचान लेंगे सॉल्ट को देख के कि उसका कलर किस तरह का। ठीक है, और सभी सॉल्ट का जो फिजिकल स्टेट है, ऑल सॉल्ट किस फॉर्म में, सभी सॉलिड के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, बस इतना अंतर था कि किसी का फाइन क्रिस्टल्स होते हैं,
किसी के थोड़े से रफ क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है। तो हम सॉल्ट को आप लैब में जाओ, जब भी एक्सपेरिमेंट करो तो एक बार अपने जो भी वहाँ पर टेक्नीशियन है मैम हो उनसे कह के एक बार पहले भी सॉल्ट देख लिया करें, ठीक है। एक बार सॉल्ट का टेक्सचर देख के आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये सॉल्ट इस तरह है। तो अपना एक ऑक्सिलरी कॉपी बनाइए, उसमें लिखती जाइए कि ये सॉल्ट का कलर इस तरह है, इसका टेक्सचर इस तरह है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि इस तरह हमें करना है। तो हमें कलर को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स में आता है। सेकेंड, उसका स्टेट, सभी सॉल्ट फिजिकल स्टेट में सॉलिड फॉर्म में, कुछ फाइन पाउडर फॉर्म में, कुछ क्रिस्टल्स बहुत फाइन होते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेकेंड टेस्ट हम इसका करते हैं सॉल्विटी का, ठीक है। तो कलर के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से हो गया कलर। फर्स्ट हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कलर लिखा था, स्टेट लिखा था, एंड थर्ड वन इज द सॉल्विटी। हम सॉल्विटी में देखेंगे कौन सा सॉल्ट किस में सॉल्युबल है, ठीक है, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, फर्स्ट हमने पढ़ा था कलर, सेकेंड फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में मोस्टली सॉलिड ही होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी उसी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो थर्ड में हम देखते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में जनरली हम लोग क्या करते हैं, वाटर में ही चेक कर लेते हैं कि वाटर सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा ये सॉल्ट कौन सा है। तो हम इस तरह टेबल बना लेंगे, सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है बच्चों। ऑक्सिलरी कॉपी में जो आप होंगे उसमें आप करके देखेंगे, तो ऑल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। सभी क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स सिंपल वाटर में सॉल्युबल होंगे। अगर वाटर में नहीं हो रहे तो हम थोड़ा सा वाटर को हॉट करके भी उसको सॉल्युबल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट मर्क्यूरी का हैलाइड्स, एक्स फॉर हैलाइड के लिए लिखा, तो मर्क्यूरी के हैलाइड्स नहीं सॉल्युबल होंगे, सिल्वर हैलाइड्स नहीं सॉल्युबल होंगे, कॉपर हैलाइड्स नहीं होंगे, लेड हैलाइड्स नहीं होंगे। लेकिन ये हैलाइड्स भी अगर हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा हॉट वाटर में सॉल्युबल करेंगे तो हो सकते हैं, ठीक है। बट ऑल कार्बोनेट्स, ठीक है, सभी कार्बोनेट्स वाटर इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, एक्सेप्ट एल्किली मेटल कार्बोनेट्स। एल्किली में कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे एल्किली मेटल्स हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जैसे पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, ये सभी हमारे एल्किली मेटल्स हैं, ठीक है। तो एल्किली मेटल्स कार्बोनेट्स होंगे वो वाटर इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट है ऑल नाइट्रेट्स जो है वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। कोई भी नाइट्रेट्स होगा वो वाटर में सॉल्युबल हो रहा है। ऑल सल्फेट्स जो होंगे वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, एक्सेप्ट एल्किली मेटल्स के सल्फेट ही वाटर में सॉल्युबल होंगे, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम के। इसी तरह थर्ड पॉइंट है ऑल एसीटेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एसीटेट एंड मर्करी एसीटेट, ठीक है। सिल्वर एसीटेट और मर्करी एसीटेट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। और क्या सॉल्युबल है, ऑल ऑक्सीडेट आर वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। सभी ऑक्सीडेट क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, एक्सेप्ट एल्किली मेटल्स, ऑक्सीडेट एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इन सभी में एल्किली मेटल्स जो होते हैं, एल्किली मेटल्स के ऑक्सीडेट हो, सल्फेट्स हो, नाइट्रेट्स हो, क्लोरेट कार्बोनेट्स, ठीक है, एल्किली मेटल्स के सभी में क्या है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो हमें एग्जामिनेशन केस क्या रहेगा, एल्किली मेटल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने तीन चीज़ें देख ली, कलर, स्टेट एंड सॉल्युबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी है ये तीनों चीज़ें। फिर उसके बाद हम उसके क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट को हम ड्राई टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, पार्ट वन में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। अब सेकेंड पार्ट हम इसको प्रिलिमिनरी टेस्ट का सून अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, तब तक देखते रहना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आई आई टी के सिलेबस में भी है।